इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में जल्द बड़ा उछाल आ सकता है। जहां मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार 2022 में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3% से ज्यादा बढ़ा सकती है। इसको लेकर कर्मचारी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। पहले संभावना जताई जा रही थी कि बजट 2022 में इसकी घोषणा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि आगामी चुनाव से पहले सरकार इसका ऐलान कर सकती है। जी हाँ, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी बयान जारी नहीं हुआ है। और मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता TA, HRA और TA प्रमोशन के बाद अब मोदी सरकार कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा दे सकती है। जहां वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसके कर्मचारियों की मांग पर बढ़ाकर 3.68% किया जा सकता है। और इससे कर्मचारियों के सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इससे न्यूनतम वेतन में 26,000 हो जाएगा और फिर अलग अलग लेवल वाले कर्मचारियों के वेतन में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। और इसका लाभ 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 68 लाख पेंशनरों को भी मिलेगा। ये था अब तक का अपडेट। लगातार छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।